अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बरवाला के सिविल हॉस्पिटल के सामने स्थित निर्माणाधीन वाल्मीकि जी के मंदिर परिसर में कल रात्रि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा नेता जोगीराम सिहाग उपस्थित थे। महर्षि वाल्मीकि जी की ज्योति प्रज्वलित कर बरवाला क्षेत्र के मंगलमुखी समाज के प्रमुख महंत श्री साधुराम ने की, जबकि इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बरवाला के अल्ट्रा लार्जेस्ट डॉक्टर राजेश रेड्डू, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर अनंत राम, सुरेंद्र कोहली, एडवोकेट नरेश शर्मा, बबलू प्रधान पाल सिंह एमसी, नगर पालिका के वॉइस चेयरमैन रामफल गुराना, भाजपा नेता पवन खारिया एवं स्वर्णकार समाज बरवाला के पूर्व प्रधान सतपाल सोनी किरमारा वाले, पशु चिकित्सक डॉक्टर धूप सिंह सहित अनेक नगर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस समारोह में गाँव कनोह निवासी सतपाल सिंह सांगी की पार्टी ने मधुर भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए इंद्रावती अस्पताल के डॉक्टर संदीप कुमार एवं डॉक्टर अनंत राम ने भी अपनी मधुर वाणी से भजन सुनाकर सबको चकित कर दिया। समारोह में मीडिया पार्टनर बने हर न्यूज चैनल के बरवाला क्षेत्र के ब्यूरो चीफ कुलदीप सोनी को भी सम्मानित कर उनका वाल्मीकि समाज ने आभार व्यक्त किया। इस धरती पर जन्म लिया, इस तरह की आत्माएं सिर्फ इंसान रूप के इंसान की ही बधाई के लिए अवतरित नहीं होते। इस सृष्टि के अंदर तीनों लोक में जो भी जीव होता है उसके उद्धार के लिए इस सृष्टि पे, इस धरती पर अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वो वेदरक संत और वेदरक ऋषि थे, जिन्होंने न जात देखी, न पात देखी, न जीव देखा। जो भी उनके संपर्क में आया उसका उद्धार करते चले गए। ऐसे थे महर्षि वाल्मीकि जी। आज उनका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ आशीर्वाद लेने का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन खारिया जी, बरवाला शहर के आपके अपने ही साथी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका भाई रामपाल जी। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी, बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।